उम्र 53 साल, जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल रैम ग्रुप पे। और आज आपके स्पैम को एनालाइज करने जा रहे हैं और जो भी परिस्थितियाँ बन रही है उससे आपको अवगत करवाने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे आपके लेफ्ट फॉर्म से, यहाँ से डिस्टिनी के अकॉर्डिंग चीज़ों को जानेंगे, फिर चलेंगे आपकी दयनीय दिल्ली में एंड वहाँ से जो करंट सिचुएशन बन रही है उसे जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से। मणिबंध की रेखाओं की जो स्थिति है उसका जो सबसे ज़्यादा झुकाव है वो चंद्र की तरफ से है, यानी कि आपके अंदर जो शीतलता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और इससे क्या होता है कि अपने अंदर देवत्व का विकास होता है, ठीक है। स्त्री का जो स्वभाव होता है उस प्रकार की मन से कोमलता की स्थिति आपके अंदर जागृत होती है और चीज़ों को काफ़ी सहज रूप से स्वीकार करने की आप हमेशा कोशिश करते हैं। और प्रेम बांधुत्य जैसी चीज़ें आपके अंदर काफ़ी कूट कूट के भरी होती है। प्रेम लेना, प्रेम देना, बस यही जीवन का मूल मंत्र होता है। जीवन के प्रति काफ़ी सकारात्मक नज़रिया आपका यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिख रहा है, जिस कारण चीज़ों को आप काफ़ी पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करते चले जा रहे हैं। ये परिस्थिति अच्छी है। धन की स्थिति की बात करेंगे तो आपने तो जो भी अर्जित किया है सब अपनी मेहनत से किया है, बचपन से लेकर आज तक जहाँ भी पहुँचे हैं, अपनी बदौलत पहुँचे हैं, उसमें किसी भी प्रकार से किसी और के सहयोग की स्थिति नहीं बन पड़ी है। और आगे का जो जीवन है आर्थिक तौर पर कुछ खास खास कालखंड में विभिन्न महादशा को अगर छोड़ दें तो परिस्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है। इसके अलावा जो दूसरे सुख की स्थिति है वो जीवन में काफ़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने खुद पर नियंत्रण करा हुआ है और ये नियंत्रण की स्थिति आपके जीवन में एक अस्थायित्व और शांति की स्थिति को आपके लिए बनाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा दूसरे के सहयोग और लोगों की भलाई के लिए भी हमेशा आपके मन में भावनाएं अच्छी होती है, जिसका भी लाभ आपको यहाँ पे स्पष्ट तौर पे मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आपके गुरु के क्षेत्र की बात करें, ये क्षेत्र काफ़ी प्रबल है, यहाँ पर वर्ग की आकृति भी उभरी हुई है। साथ ही एक अन्य परिस्थिति भी बन रही है जो कि मंगल के ऊपरी कोण से लेके हृदय रेखा को छू रही है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई दफ़े आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से रख नहीं पाते और आए हुए मौके भी कहीं ना कहीं आपके हाथों से निकल जाते हैं। कई दफ़े आप उन्हें निकलने देते हैं ताकि किसी और को अगर उससे ज़्यादा लाभ होने वाला है तो हो जाए, मुझे ज़्यादा ये नहीं है। धर्म के प्रति आपका झुकाव काफ़ी ज़्यादा है और धार्मिक कार्यों, धार्मिक कृत्यों, यहाँ तक कि गुड विज्ञान के प्रति आपकी बेहतर रुचि है और काफ़ी समझ भी अच्छी खासी है, ठीक है। आप इसके व्यापारिक प्रयोग हेतु भी सोचा जा सकता है या सोचा गया है, ऐसी परिस्थिति आपके लिए यहाँ पर प्रतीत हो रही है। इसके अलावा जो बाकी पूरा क्षेत्र है ये आपके लिए काफ़ी बेहतर है और आपको जीवन में अस्थायित्व देने का कार्य कर रहा है, गंभीरता देने का कार्य कर रहा है। गहराई आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा है और ये गहराई आपके लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये आपके कार्य क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में आपकी स्थिति को बेहतर बना के रखने का ये कार्य कर रहा है, जो कि बेहतर स्थिति है। इसके अलावा आपके सैटर्न के अमाउंट की बात करें, सैटर्न का अमाउंट काफ़ी वेल डेवलप है, काफ़ी बेहतर स्थिति में है, लेकिन ये कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी मानसिक तनाव को आपके आगे पीछे करने का कार्य करता है। इसके अलावा आर्थिक तौर पर इसने आपको काफ़ी समृद्ध करने का कार्य किया है। अगर विगत 10 से 15 साल पहले की बात छोड़ दें तो उसके बाद का जो समय है इसने आपके लिए बेहतर कार्य करा है। इसके अलावा सन की इस लाइन को देखें, ये काफ़ी अच्छी है। सन का अमाउंट कहीं ना कहीं वीक है, लेकिन इसकी जो लाइनें हैं वो इसकी कमी को पूरा करने का कार्य कर रही है और ये परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी है। इससे क्या होगा कि अलग अलग क्षेत्रों से, कई जगह से धन के आगमन की स्थिति बनी हुई है और ये हमेशा आपके साथ ऐसे ही चलता रहेगा। व्यवसाय में कुछ कुछ खास समय में नुकसान की स्थिति को दर्शा रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर मान के चले तो ये परिस्थितियाँ आपके हक में रहेगी और कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि आपके हाथों से निकलता हुआ प्रतीत हो। चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से हमेशा से आप कंट्रोल करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। हालांकि रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है, खासकर जो बेटर हाफ है उनके साथ, बिकॉज वहाँ सिचुएशन थोड़ी सी उलट पुलट चल रही है, ठीक है। चीज़ों को कई दफ़े नियंत्रण करने में आप असफल साबित हो जाते हैं। इसके अलावा बुध की इस दिशा की बात करें तो बुध की यहाँ की परिस्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और वैवाहिक संबंधों में अगर शुरुआत में अगर बात करें, चीज़ों पर अगर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है तो चीज़ें वहाँ हाथ से निकल चुकी हैं पूरी तरीके से, ठीक है। और ये परिस्थिति एक बेहतर स्थिति को नहीं बना पा रही है, खासकर इस दोनों क्षेत्र में अगर हम देखें तो यहाँ की स्थितियाँ आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलों को ये बढ़ाने वाली है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या है कि आपके कार्य क्षेत्र में अगर आप किसी का सहयोग लेते हैं ना, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको, आपके लिए नुकसान की स्थिति को बनाने का यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप खुद भी उसमें अप्रत्यक्ष रूप से न जानते हुए भी आप सहयोगी उसके बन रहे हैं, ठीक है। तो ये परिस्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि इसका खामियाजा अपने जीवन में भोगा है और आगे भी आपके लिए संभावनाएं बनती रहेंगी। इसके अलावा मंगल के इस क्षेत्र की बात करें, इसकी प्रबलता काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो हालांकि अब तो आप काफ़ी डाउन हो गए हैं, पहले आपके अंदर काफ़ी साहस प्रबल होता चला जा रहा था,
तो इस कारण चीज़ें आपके लिए मुश्किल थी, लेकिन अब चीज़ें अच्छी हो गई हैं। हालांकि स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है, खासकर जो आपके कुछ गुप्त रोग संबंधी जो चीज़ें हैं उस पर, और रक्त संबंधी कुछ विकार, ठीक है। द्वितीय मंगल की स्थिति यहाँ पे सामान्य है। इसके अलावा शुक्र की स्थिति की बात करें, यहाँ की स्थिति काफ़ी अच्छी है। देखो, जीवन में अगर कुछ बहुत ज़्यादा चाहेंगे कि ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जितना आपने पा लिया है, आपके साथ निकले हुए आपके आर्थिक दशा के लोगों में बहुत ही कम लोग हैं जो इस सिचुएशन तक पहुंचे होंगे, ठीक है। आप अपनी नज़र घुमा के देख लेना अपने आसपास, और आप अनवरत मेहनत करते चले जा रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और ये स्थिति आपको बेहतर दशा में रखेगी। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा जो अगर हम सोच ले कि बिलियनियर मिलियनियर, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन अच्छी खासी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा चंद्र के इस क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर काफ़ी बेहतर है। आप अपनी रोज़ सुबह माता का नाम पक्का लिया करें, ठीक है, और उन्हें प्रणाम किया करें, आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। जीवन रेखा की स्थिति अच्छी खासी चल रही है। क्या कोई अकाल योग की स्थिति बन रही है? एक छोटा सा आंशिक दोष है, ठीक है, जो कि 56वें वर्ष में आपको नज़र आएगा। हालांकि उससे निकल जाने के यहाँ पे आसार स्पष्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी है, इसने काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट किया है। बजरंग बाण का पाठ आप करते रहना, वो आपके हक में काम करेगा, ठीक है। धर्म क्रम के प्रति जो आपकी रुचि है ना, उसे ऐसे ही बनाए रखना, और ज़्यादा किसी भी प्रकार के रत्न या अष्टधातु या कुछ धारण करने की वैसी कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। आपके अंगूठे का जो ये क्षेत्र है, ये आपको काफ़ी क्लियर और चीज़ों को समझने वाला और सही तरीके से सुलझाने वाला व्यक्ति बनाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। हृदय रेखा की स्थिति की अगर बात करें, तो ये बेहतर गति से चलती चली जा रही है। मस्तिष्क रेखा काफ़ी वेल डेवलप है और काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा राजयोग की भी स्थिति है, ठीक है। धन की स्थिति को बेहतर बनाने का इसने कार्य किया है। मध्य के क्षेत्र में, राहु के क्षेत्र में जो वर्क बन रहा है, इसने भी आपके जीवन में उन्नति घोलने का कार्य किया है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा चलेंगे आपके हम दाहिनी हथेली में, एंड वहाँ से जानेंगे कुछ चीज़ों को, फिर आखिरी निष्कर्ष पर हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ की परिस्थितियों का हम आकलन करेंगे, तो यहाँ पे पाएंगे कि जो स्थितियाँ बन रही है, वो जीवन शक्ति की स्थिति काफ़ी और रेखाओं के साथ चल पड़ी है, जो कि आपके शुरुआती जीवन के संघर्षों को दर्शाती है, जिसने आपको आज यहाँ तक पहुँचा दिया है कि आप अपने फैसले खुद भी ले पा रहे हैं और दूसरों के लिए भी फैसले लेने की स्थिति में आप यहाँ पे पहुँच चुके हैं। द्वितीय रेखा की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, बाकी कलाओं के संरक्षण में नीचे पड़ी हुई है। इसके अलावा आपके गुरु के इस क्षेत्र को देखें, पिछले विगत कुछ वर्षों में, 7 से 8 वर्षों में, आप धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आकृष्ट होते चले गए हैं, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा अंधा ना बना दे, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप जितने सुलझे हुए हैं उसमें थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, ठीक है। एक बार राम जी से पूछा गया था कि आप इतने बेहतर, और जब आप कृष्णा अवतार में आए तो सब कुछ टेढ़ा, नाम भी कृष्ण उसमें भी नीचे टेढ़ा, जन्म कहाँ तो वृंदावन वहाँ भी टेढ़ा, हर चीज टेढ़ा क्यों? तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने बताया था, मतलब एक युक्ति है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सीधी सीधी चीज़ें थी, लेकिन द्वापर में वैसी चीज़ें नहीं थी, तो टेढ़ा होना पड़ा, क्योंकि सारी चीज़ें सीधे नहीं आ सकती हाथ में, कुछ चीज़ों के लिए टेढ़ा होना पड़ता है, ठीक है। तो वैसी प्रकृति आपको भी अपने अंदर होते हुए भी उसे पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा शनि के क्षेत्र की बात करें, फिलहाल आपके लिए निश्चित तौर पर अगर आपकी कुंडली में देखी जाए, तो इनका कोई ना कोई योग आपके लिए बेहतर तो यहाँ पे नहीं है, तो इस पे काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। हालांकि लॉन्ग टर्म में ये अभी आपको फायदे की स्थिति की तरफ ले जा रहा है। भावनाओं में ना ज़्यादा बहा करें, इमोशंस आपके आगे पीछे काफ़ी चक्कर लगाते होते हैं, ठीक है, तो उस पे काबू करके रखा करें, उसे अपनी मजबूती बनाए, उसे अपनी कमजोरी ना बनने दे, जो चीज़ें अभी बन रही है, ठीक है। इसके अलावा आपके इसका 2 साल पहले से है टेंशन में, ठीक है, अगर इसकी महादशा उस टाइम रही होगी तो इसने नुकसान दिया है आपको, लेकिन फिलहाल ये सही तरीके से एक्टिव है और उन्मुख हो रही है। इसके अलावा आपके सूर्य के यहाँ की दशा देखें, सूर्य के यहाँ की दशा काफ़ी अच्छी है, नए नए पहचान और कनेक्शन की वजह से आपको यहाँ पर फायदे के योग इसने दिए हैं, जो कि काफ़ी बेहतर है। काफ़ी साक्षर हैं आप और काफ़ी गुड है आपके अंदर ज्ञान, ठीक है, व्यवसाय में आपकी बेहतर समझ है, और इस कारण आपने सतत विकास किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मस्तिष्क रेखा पर
जो यहाँ पर परिस्थितियाँ बन रही है, सबसे पहले तो नीचे भाग्य रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के साथ सहयोग करके वहाँ पे रुकी पड़ी है। उसके बाद यहाँ पर दो मुखी और त्रिमुखी अवस्था में यहाँ पे मस्तिष्क रेखा विराजमान है, जिसने कि आपको समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों का भरपूर ज्ञान दे के और समय से सचेत करके और जीवन के कई उलझनों से, खाई में गिरने से आपको बचाया है, और आपको हमेशा इसने अपडेट करके रखा है और ऊपर की तरफ ले जाते हुए रखा है, जो कि आपके मरते दम तक आपके साथ ऐसे ही चलती रहेंगी और बेहतर रहेंगी। ठीक है, राजयोग की जो स्थिति है, धन की स्थिति के लिए निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, किसी प्रकार से बुरे जैसे योग नहीं है। ठीक है, एक संघर्ष जैसी छोटी छोटी चीज़ें चलती रहेंगी साथ में, लेकिन जिंदगी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होए। हालांकि आपके रिलेशनशिप पे हमें थोड़ा और क्रॉस चेक करने की स्थिति बन रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ चीज़ें कुछ उलझी हुई है, इसलिए उस पर भी चर्चा नहीं करते। चंद्र का क्षेत्र फिलहाल ये काफ़ी उलझन में है और ये आपको आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे भी मुश्किलों की तरफ लेता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है और पूर्णिमा के चांद को थोड़ा जल देने की आवश्यकता है। श्वेत वस्त्र धारण करके एक लोटे में जल लेके उसमें एक चुटकी से जितनी अक्षत आ सके, यानी कि चावल का दाना, उसमें डाल के पूरे पूरे टूटे हुए ना होने चाहिए, और वो डाल के आप श्वेत वस्त्र के साथ जनेऊ अगर धारण करते हैं तो पकड़ के और लोटे में लेके उन्हें जल देवें आप। ठीक है, इसके अलावा शुक्र की यह दशा फिलहाल बेहतर है, नुकसान की स्थिति को नहीं दर्शा रही, अच्छी है। चल अचल संपत्ति का लाभ यहाँ पे आपके लिए अभी मिलने वाला है, उसका सदुपयोग होने के उपाय बन रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। मस्तिष्क जीवन रेखा की जो द्विमुखी अवस्था है, वो भी आपकी केतु के क्षेत्र में और शुक्र के अंतिम चरण में जाके खत्म हो रही है, इसकी परिस्थिति काफ़ी अच्छी है और जीवन में एक बेहतर परिपक्वता देने का काम कर रही है। हमेशा आप सीखते होते हैं कुछ ना कुछ और उन चीज़ों को ये बढ़ाने वाली है। ठीक है, इसके अलावा ऊपर के क्षेत्रों में देखें तो राहु का यह क्षेत्र फिलहाल काफ़ी बिजी है, काफ़ी बड़ी बड़ी रेखाओं को इसने संग्रह कर रखा है और यहाँ की जो गहराई है वो काफ़ी उत्तम है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, कोई परेशानी के योग आपके लिए यहाँ पर है नहीं। हृदय रेखा की जो त्रिमुखी अवस्था है वो भी काफ़ी बेहतर है। ठीक है, चलो अब आपके हम निष्कर्ष पे पहुँचते हैं और क्या होना चाहिए। इस एज में जो आपकी चीज़ें चल रही हैं वो काफ़ी बेहतर है, आप स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति हैं। ठीक है, कहीं भी किसी की चीज़ों में उलझना वगैरह जैसी चीज़ें नहीं, जो है सामने है, पीठ पीछे कुछ नहीं। ठीक है, ये सब आपकी जो प्रकृति है आज से नहीं है, हमेशा से है, और इसके कारण अपने जीवन में आपने काफ़ी अच्छे मित्र कनेक्शंस बनाए हैं। कुछ लोग जो कि आपसे इसके कारण विरोध में रहते हैं, वो भी मन ही मन या पीठ पीछे आपके बारे में इस मामले में निष्पक्ष हैं कि हाँ, बंदा जहाँ भी है परफेक्ट है, कोई इशू है नहीं। हालांकि पिछले कुछ समय में अपनी अपनी चीज़ों में कुछ मिलावट की है। ठीक है, और कंप्रोमाइज़ करने की कई दफ़े कोशिश की है, क्योंकि उस चलते उसके कारण से आपके लिए नुकसान की स्थिति, कई जगह रिश्तों का नुकसान, प्रेम का नुकसान की स्थिति बन रही है, लेकिन फिर भी आपने उन चीज़ों को इसी कारण से बेहतर करने के लिए बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। कारोबार में जो आंशिक तौर पर जो परिस्थितियाँ विपरीत होती चली जा रही हैं, वो भी समय के साथ साथ आपके लिए और बेहतर होती चली जाएंगी। ठीक है, वो दशा के अधीन होती है थोड़ी बहुत, तो उसके लिए ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन अपना बस काम बस आप करते चले जाएं। और अध्यात्म में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की अगर मन में रुचि हो रही हो तो थोड़ा सोच ले, थोड़ा और वेद अध्ययन करें, आपको काफ़ी कुछ और समझ में आएगा। ठीक है, और आंख बंद करके कहीं भी भरोसा न करें, क्योंकि किसी चीज़ को करने से आप में धन की गति बढ़ नहीं जाएगी। ठीक है, बढ़नी होगी तो उपाय भी मिल जाएंगे सही सही, और आप बढ़ भी जाएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा रत्न और अंगूठियाँ धारण करना आपके हित में नहीं है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान की स्थिति की तरफ ले जा रहा है, तो इससे बचें। आप अगर 100 कदम चलेंगे ना, तो 100 कदम चलना चाहिए, लेकिन आपको पता चलेगा कि 70 कदम ही चले हैं वास्तविकता में कागज़ पे, तो आर्थिक स्थिति मेहनत के अकॉर्डिंग वैसे ही रहने वाली है, लेकिन बहुतों को वो भी नहीं है नसीब ना, उसके अकॉर्डिंग अच्छी है, तो परेशान ना होवे आप। ठीक है, और सुबह सुबह थोड़ा टहला करें, योगा व्यायाम क्या करें और विद्याध्ययन क्या करें, भरपूर मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन चीज़ें हो जाएंगी बेहतर। ठीक है, चिंता नहीं करनी है। और जो कुछ भी आपको और कुछ पूछना हो, और कुछ जानना हो, और टू द पॉइंट पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ अच्छा नहीं लगा हो, कुछ बहुत अच्छा लगा हो, जो भी चीज़ें हो, आप ये वीडियो देखने के पश्चात, जबकि आप देख चुके हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको एक टाइम दी जाएगी, उस टाइम में आप कॉल के थ्रू आपको जितनी बातें हो, एक एक बात टू द पॉइंट आप पूछ सकते हैं, आपको उसके जवाब टू द पॉइंट दिए जाएंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।